भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, खबर SNS टीवी में आप सबका स्वागत है। आइए दिखाते हैं महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरें। भंडारा जिला युवा कांग्रेस के नेता बालू ठोकर, सुभाष आजवले और कार्यकर्ताओं की ओर से आज जिला श्रम कार्यालय के सामने सड़क रोको विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचा। भंडारा जिला अंतर्गत लाखांदूर तहसील से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि तहसील स्थित पिंपल गांव के राधे विद्यालय स्कूल में पिछले कुछ महीनों तक कार्यरत एक नियमित शिक्षक ने उसी स्कूल के एक नाबालिग छात्रा को फुसलाकर अपहरण किया है। उक्त मामला 10 फरवरी को दोपहर 4 बजे के दौरान तहसील के पिंपल गांव का है। इस मामले में पीड़ित छात्रा के परिजनों की शिकायत पर गोंदिया जिले के झरपड़ा निवासी आशिक मुनेश्वर मेश्राम 29 वर्षीय नामक अनियमित शिक्षक के खिलाफ लाखांदूर पुलिस ने छात्रा का अपहरण का मामला दर्ज किया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है। बताते चले कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चव्हाण पिछले काफी दिनों से पार्टी से नाराज बताए जा रहे थे और खबर है कि वह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने बताया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि अहीर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पीएम मोदी ओबीसी नहीं है, ऐसा कहना पूरे ओबीसी का अपमान है। उनके आरोप के बाद जब पूरे दस्तावेज की जांच की गई तो साफ हो गया कि गांधी झूठ बोल रहे थे। इसके लिए अहीर ने कहा कि वह इस बात का सबूत देंगे कि प्रधानमंत्री ओबीसी है। हंसराज अहीर ने स्पष्ट किया कि अगर कोई शिकायत आती है कि किसी संगठन में या किसी अन्य ने ओबीसी वर्ग का अपमान किया है और प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया है तो हम कार्रवाई करेंगे। वासी में यह चलता ट्रक किनारे खड़े लोगों पर चढ़ गया, जिससे एक व्यक्ति की हुई मौत और एक अन्य घायल हो गया। बताते चले कि कुछ लोग मेथसी के अंदर सवांगी बस स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। इसी बीच चल रहे ट्रक के दो पहियों अचानक निकल गए और उनसे टकरा गए। इससे वे नीचे गिर गए। उन्हें मदेसी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित बताया। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह 15 फरवरी को अकोला जिले के दौरे पर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में वह वर्धा, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाल और बुलढाणा सहित पश्चिम विदर्भ के 5 लोकसभा क्षेत्रों की समीक्षा के लिए भाजपा पदाधिकारियों के साथ एक बैठक में लेंगे हिस्सा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान किया है कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। कांग्रेस पार्टी घूम रही है, जो लोक जनता के नेता है, जो जनता से जुड़े हुए हैं, उनका दम घुट रहा है। भाजपा में आम लोग प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए मेरा मानना है कि कुछ बड़े नेता बीजेपी में जरूर आएंगे। आज मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आगे आगे देखे होता है क्या। यवतमाल पुलिस ने दूधव्यान से तो सुगंधित तंबाकू की तस्करी कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर 15 लाख रुपए का माल जब्त किया है। यह कार्रवाई वानी की डीवी टीम ने गाड़गे बाबा चौक पर की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गोंदिया जिले के कोमारा निवासी सागर चौधरी 26 वर्षीय और नागपुर के सद्भावना नगर निवासी प्रणय राजेश सावरकर 41 के रूप में हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटेले को पत्र भेजकर अशोक चव्हाण इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस बीच सूत्रों से यह जानकारी सामने आ रही है कि अशोक चव्हाण के साथ मराठवाड़ा के कुछ कांग्रेस विधायक भी इस्तीफा देंगे। इसी बीच नाना पटेले तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। दिल्ली में वरिष्ठों से चर्चा की जाएगी। नागपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां 16 साल की एक लड़की को फेसबुक पर मिले एक युवक ने उसके घर से अगवा कर उसे अपने ही घर में रखा गया। उसे बचाने घर आए उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने लड़की के प्रेमी के खिलाफ अपहरण और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया। आरोपी प्रेमी का नाम पीयूष करण नीलपाल 21 वर्षीय पचपावली के रूप में। गढ़चिरौली यहाँ कलेक्टर के अधिकारी शिखरदीप मंगले में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने वाले राज्य रिजर्व बल के एक जवान ने व्हाट्सएप स्टेटस पर आदमी मरता है मगर आत्मा ने लिखकर अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर लेने की घटना आज 12 फरवरी की सुबह करीब 11:30 बजे घटी, जिससे वह हड़कंप मच गया। आत्महत्या करने वाले जवान की पहचान उत्तम किशनराव श्रीराम 32 वर्षीय नांदेड़ जिले के बेंगलुरु तालुका के रूप में हुई है।